Hello everyone, am I audible? Hello. Hello. Thank you, Amul, for giving me this opportunity to come live on the show. और मैं बाकी सबको भी सब जल्दी से ज्वाइन कर लें तो मैं अपना सेशन स्टार्ट करती हूँ. हेलो एवरीवन. आज मैं आपके सामने बनाने जा रही हूँ पनीर दिलनशी और नान और साथ में मसाला छाछ. उसको मैं आपके लिए बनाऊंगी, एक पूरा लंच होगा ये. और थैंक यू एवरीवन, संडे को भी आपने अपना टाइम दिया, आप आए मेरा लाइव अटेंड करने, थैंक यू. नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट मेकिंग. सबसे पहले मैं अपना नान का डो लगाऊंगी ताकि उसको थोड़ी देर रखना पड़ता है, तो इसलिए उसको पहले मैं रेडी करूंगी. उसके लिए मैंने ये बाउल लिया, 2 कटोरी मैदा लिया मैंने, 1/3 इसमें मैं सूजी डालूंगी ताकि ये थोड़ा क्रिस्प बनेगा इससे, 1.5 चम्मच. इसमें मैं डालूंगी थोड़ा नमक और अजवाइन. इसमें मैं कुछ भी ऐसा नहीं डाल रही. इसको फॉर्मेंट करने के लिए मैंने खट्टी दही ली है, उसको खुद अमूल मिल्क से मैंने कर्ड बनाई थी. वो थोड़ा सा उसको 2-3 घंटे बाहर ज्यादा रहने दिया था ताकि थोड़ी वो खट्टी हो जाए और फॉर्मेंट करने में हेल्प करे, तो इसलिए मैंने इसमें ये देखिए खट्टी दही है इसकी, इसको मैं डालूंगी. पहले हम स्पून से इसको मिक्स कर लेंगे अच्छे से. अब इसका डो लगा लेंगे. अबाउट 2 कटोरी मैंने वो लिए मैदा लिया और साथ में 2 टीस्पून मैंने इसमें सूजी डाली है और नमक और अजवाइन. इसमें मैंने सोडा या इनो कोई भी ऐसी चीज नहीं डाली इसको फर्मेंट करने के लिए, ये खट्टी दही से ही बहुत अच्छी फर्मेंटेशन आ जाएगी. इसमें थोड़ा सा ऑयल लगाऊंगी हाथ में. इसका मैंने आटा बना लिया और इसको ऑयल लगा के थोड़ी देर के लिए ढक के रख देंगे. सबसे पहले इसीलिए मैंने इसको बनाया कि इसको टाइम मिल जाएगा थोड़ा फर्मेंट होने का. इसको कवर करके मैं एक साइड पे रख दूंगी. अब मैं 1 मिनट के लिए हैंड वॉश करके आऊंगी.
अब मैं आप पनीर की तरफ जाऊंगी। पनीर की मैंने अमूल पनीर लिया, ये वाला पनीर, इसको 30 सेकंड मैंने फ्राई किया है, ये थोड़ा सूजा मुझे रोल बनाने से। तो अब हम इसको, इसका पहले दो उसके रोल बनाने के लिए इसको लेंगे हम पहले बेसन। बेसन को मैं थोड़ा सा ऑयल में, ऑयल में इसको थोड़ा सा करूंगी, भून लूंगी थोड़ा सा कच्चापन इसका दूर करने के लिए। वैसे मैंने उसको वैसे भी भून के ही रखा था थोड़ा सा, ताकि इसका कच्चापन ना आए। इसको हम बेसन को थोड़ा सा भून लेंगे। हल्का सा ही करना है इसको, ताकि रोल्स के जब हम खाएं तो उसका कच्चापन ना आए। और मसाले भी इसमें अच्छे से पक जाएं। ये मैंने जीरा, सौंफ, छोटी इलायची, एक छोटी इलायची, एक मोटी इलायची, एक दालचीनी और 5-6 लौंग हैं, इनको मैंने इनको ग्राइंड करके रखा था ये, और इनको मैं अब डालूंगी इसमें। बेसन की खुशबू आने लग गई है, बस हम इसको फायर से रिमूव कर लेंगे। और इसमें फायर से बंद करने, गैस मैंने बंद कर दी है। उसके बाद इसमें मैं ये जो मैंने सिर्फ पीस के रखा था, सौंफ, जीरा, मोटी इलायची, छोटी इलायची, दालचीनी और लौंग, इसका मैंने पाउडर करके रखा था, ये मैं इसमें डाल दूंगी। और इसी के साथ ही इसमें सॉल्ट, थोड़ी सी हल्दी और लाल मिर्च, ये मैंने इसमें चीजें डाल दी हैं। ये सबको हम मिक्स कर लेंगे। ये देखिए, ये मेरी स्टफिंग रेडी हो गई है। अब इसमें हल्का सा मैं ऑयल थोड़ा सा और डालूंगी। ये अमूल घी है जो रूटीन में मैं यूज करती हूँ, मैंने अपनी डिब्बी में डाल के रखा है। देखिए, थोड़ा सा ऐसे लटपटा सा मसाला होना चाहिए जो कि हम इसके अंदर फिल करेंगे। ये देखिए, अब मैं इसको डालूंगी एक कटोरी में। ये मैंने निकाल ली है, अब मैं अपने रोल्स बनाने स्टार्ट करूंगी। पहले मैं इसका मसाला रख देती हूँ पनीर बनाने के लिए। थोड़ा सा ये बेसन का मिक्सचर ठंडा हो जाएगा, लगाने में इजी होगा मुझे, तो मैं इसका मसाला रेडी कर लेती हूँ पनीर का। इसके लिए हम अमूल घी डालेंगे इसमें।
इसमें दो तेज पत्ता डालूंगी, तेज पत्ता को थोड़ा सा करेंगे ताकि ये अपना टेस्ट छोड़ जाए। उसके बाद मैंने ये दो अनियंस हैं इनको क्रश करके रखा है, मसाले में डालेंगे। जब तक प्याज भुन रहे हैं मैं अपनी वो जो शीट्स हैं वो रेडी करती हूँ साथ साथ में। ये देखिए, ये मैंने पनीर की शीट्स काट के रखी हैं। 30 सेकेंड इनको माइक्रोवेव किया था ताकि ये और सॉफ्ट हो जाएं। ये देखिए, अब मैं इसके लिए मैं अपना ये लूंगी हाथ में एक शीट, इसके ऊपर ये जो मैंने बेसन का मसाला बनाया था उसको इसको लगाऊंगी। और इसका रोल बनाऊंगी। थोड़ा सा छोटा लग रहा है तो मैं एक और ऐड कर सकती हूँ इसमें। इसका रोल बनाएंगे। इसी तरह से मैं बाकी रोल्स भी बना लूंगी। इस तरह से इसके रोल्स बना लूंगी मैं। ये मेरे रोल्स रेडी हो गए हैं। ये देखिए, रोल्स आर रेडी। थोड़ी देर इनको रखेंगे ताकि ये सेट हो जाए आपस में। तब तक हम ग्रेवी कर लेते हैं। थोड़ा सा घी और डालूंगी।
रोल्स के लिए मैं गैस जला के तवा रख लेती हूँ। प्याज और थोड़े से ब्राउन हो जाए तब तक मैं रोल्स को रेडी करती हूँ। थोड़ा सा घी डालेंगे, अमूल का घी तवे पे, इसको सारा ग्रीस कर लेंगे। अच्छे से ग्रेस कर लेंगे इसको। अब मैं रोल्स को हल्का सा उसमें कॉर्नफ्लोर मैंने डाला है, ये रेडी करा है, इसमें हल्का सा डिप करके मैं इनको तवे पे डालूंगी ताकि अगर कोई खुलने का चांस है तो वो भी ना रहे। वैसे ये खुलते नहीं है, बेसन से बाइंड किए हैं। एक्स्ट्रा निकाल देंगे, एक्स्ट्रा कॉर्नफ्लोर नहीं रहना चाहिए, बस इतना हो कि ये बस आपस में जुड़े रहें। अब अपनी ग्रेवी चेक कर लेते हैं। अब इसमें डालेंगे, मैंने ये चार चीजें लेके, धनिया, पुदीना, लहसुन और हरी मिर्च, इसका भी पेस्ट बनाया हम इसमें डालेंगे। इसको थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे। इनको रोल्स को चेक करते रहेंगे साथ साथ में। इससे ग्रीन ग्रेवी बनेगी। पुदीना मैंने थोड़ा सा कम डाला है, धनिया ज्यादा डाला है, ताकि पुदीने से हल्का सा कभी कभी कड़वापन आ जाता है, तो इसलिए मैंने उसमें धनिया, हरी मिर्च, गार्लिक क्लोव्स और मैंने पुदीना थोड़ा डाला है, थोड़ी सी कलियां, थोड़े से लीव्स डाले पुदीना के। इसको हम चेंज करते रहेंगे थोड़ी थोड़ी देर में इसकी साइड, ताकि ये अंदर से भी अच्छे से पक जाए और बाहर से भी ये बिल्कुल रोल प्रॉपर रहे। थोड़ा सा ऑयल ऊपर डाल लेंगे इसके, अमूल का घी थोड़ा सा और ऊपर डाल लेंगे ताकि ये सूखे ना। और जो धनिया पुदीना पेस्ट डाला था वो भी अब काफी हद तक पक गया है। अब मैंने कुछ ये काजू लेके उसके साथ खसखस लेके ये एक पेस्ट बनाई है, इसको पेस्ट को मैं डालूंगी।
थोड़ा सा दूध डालेंगे इसमें ताकि ये सूखी सूखी ना बने। ये अमूल का फुल क्रीम मिल्क है, मैंने बॉईल करके रखा था। अब इसमें थोड़ा सूखा धनिया और इसका टेस्ट के अकॉर्डिंगली इसमें सॉल्ट डालेंगे। थोड़ा सा दूध और डालेंगे। इसमें बहुत ज्यादा मसाले नहीं डालने क्योंकि ग्रेवी एज इट इज अपने आप ही गार्लिक का बाकी चीजों का टेस्ट देगी, तो इसमें हम बेसिक थोड़े से ही मसाले डालेंगे। ज्यादा मसाले डालने से इसका अपना जो परफेक्ट फ्लेवर है वो चला जाएगा। ये ग्रेवी मेरी ऑलमोस्ट डन है। थोड़ा सा नमक और डाल लेंगे और थोड़ा सा गरम मसाला, घर का पिसा हुआ गरम मसाला है जो हम इसमें डालेंगे। रोल्स मैं इस प्लेट में निकाल लूंगी, बहुत ज्यादा नहीं करने क्योंकि सारी चीजें तो ऑलमोस्ट डन होती हैं, इसलिए ज्यादा करने से पनीर हार्ड हो जाएगा, तो हम थोड़ा थोड़ा इसको ब्राउनिंग इफेक्ट देंगे। थोड़ा सा दूध उसमें और डालूंगी, मुझे गाढ़ी लग रही है। ये देखिए मेरी ग्रेवी रेडी है। इसको थोड़ी देर के लिए ढक के रख देंगे। रोल्स को निकाल लूंगी मैं, हल्का सा ब्राउनिंग इफेक्ट देना है, ज्यादा नहीं करना क्योंकि पनीर फिर हार्ड हो जाएगा। ये देखिए पनीर रोल्स रेडी हैं। अब मैं नान बनाऊंगी। इसके लिए मैंने अपना जो डो लगाया था उसको देखते हैं। वैसे तो और टाइम चाहिए, इसको हाफ एन आवर चाहिए होता है, बट मुझे लगता है कि अच्छा बन जाएगा। देखिए डो अच्छा निकल आया है, अच्छे से हो रहा है, मिक्स हो गया।
इसको मैं 4 पार्ट्स में डिवाइड कर लूंगी। नान बनाने के लिए वैसे तो मैं कुकर में बनाती हूँ, रोटी वाला तो कुकर, लेकिन मुझे कुछ थोड़े से ही बनाने थे इसलिए फिर मैंने इसमें तवे पे ही बना रही हूँ इसको। इस तरीके से करेंगे तो दो अच्छा खिल के आता है और साथ में नान भी अच्छे बनते हैं। इसको हम लंबा बेल लेंगे, इसके ऊपर थोड़ी सी कलौंजी, कलौंजी और खसखस लगाएंगे, इसके ऊपर स्प्रेड करेंगे और थोड़ा सा धनिया भी। इसकी एक साइड पे पानी लगा के नीचे की साइड पे नान लगाएंगे। जब तक ये होगा एक और बेल लेते हैं। कलौंजी, खसखस और साथ में थोड़ा सा धनिया। इसको हम दूसरी साइड सेक लेंगे। एक नान हमारा रेडी हो गया, देखिए ब्राउनिंग इफेक्ट आगे पीछे से दोनों तरफ से पक गया है। इसको हम साइड पर रखेंगे, अब दूसरा डाल देंगे। इसको भी हम नीचे पानी लगाएंगे।
पानी लगा के इसको चिपका देंगे इस पे। थोड़ी देर इसको ढक देंगे हल्की गैस पे। देखिए अब इसको भी सेक लेंगे। देखिए मेरा दूसरा नान भी रेडी है। देखिए कितने अच्छे से पका है। अब इसकी गैस बंद कर देंगे। ये अमूल का गार्लिक एंड हर्ब बटर है जो मैं इस पे लगाऊंगी अपने नान पे। अब हम लस्सी बना लेंगे। लस्सी के लिए मैंने पुदीना लिया फ्रेश अपने गार्डन का, उससे मैं इसको फ्लेवर दूंगी। वैसे तो मसाला छाछ जो है उसी से मैं बनाऊंगी, क्योंकि वो एज इट इज अपने में ही एक पूरन छाछ है, लस्सी है, जो कि बहुत ही टेस्टी है। अब मैंने इसमें थोड़े से मिंट लीव्स डाल दिए काट के, हाथ से तोड़ के। 2 क्यूब्स मैंने बर्फ के डालूंगी। और मसाला छाछ अमूल। मेरी छाछ भी रेडी है। इसमें मैंने 2 आइस क्यूब्स डाले हैं और पुदीने के पत्ते थोड़े तोड़ के डाले हैं। अब हम पनीर को सेट करेंगे, वेजिटेबल को। इसके लिए मैंने ग्रेवी, देखिए थिकनेस अच्छी है इसकी, प्रॉपर है। इसको मैं बाउल में डालूंगी।
ग्रेवी हमने डाल दी है। अब हम पनीर के जो इसके रोल्स हैं इनको कट करेंगे। शार्प नाइफ से कट करेंगे ताकि ये बीच में टूटे ना और इवनली कट हो जाए। ये देखिए पनीर के रोल्स हैं। अब अमूल की फ्रेश क्रीम के साथ मैं इसको थोड़ा सा गार्निश करूंगी। थोड़ा सा इसमें गरम मसाला डालेंगे ऊपर से। और थोड़ा सा धनिया। Now everything is ready. दो नान, पनीर की सब्जी और साथ में छाछ। See. इन सारी चीजों में मैंने अमूल पनीर, अमूल क्रीम, अमूल छाछ, अमूल दही अपने घर की बनी हुई टोन मिल्क से और साथ में अमूल की जो है इसका घी बटर सब इस्तेमाल किए। जो हर्ब एंड गार्लिक है वो मैंने उसको गार्निश करने के लिए नान को करने के लिए उसको यूज किया। सो थैंक यू अमूल फॉर गिविंग सच प्रोडक्ट्स जो कि बहुत ही टेस्टफुल हैं और बिल्कुल प्योर हैं, ओरिजिनल हैं और उनका टेस्ट ऑलवेज सेम होता है। इसमें कभी भी मैंने कुछ भी ऐसा नहीं देखा कि जो भी मतलब मैं अच्छे से ना यूज कर पाऊँ। तो बहुत सारे प्रोडक्ट मैं यूज करती हूँ, अभी मैंने 4-5 प्रोडक्ट ही यूज किए हैं। सो माय डिश इज रेडी। थैंक यू सो मच, थैंक यू अमूल, थैंक यू फॉर एवरीथिंग। थैंक यू। गर्मी कुछ ला दे तो